आरजेडी के चुनाव आने वाले हैं, कुछ कौन सी सरकार आ रही है मैडम? बीजेपी। बीजेपी क्यों आ रही है? बीजेपी मैडम जो आ रही है, इस तरफ उसने काम किया, बढ़िया काम किया पब्लिक के लिए। केजरीवाल तो कह रहे हैं कि हम आएंगे इस बार एमसीडी। मैडम वो तो वक्त बताएगा, फोकसबाजी पे इलेक्शन नहीं हो रहा है। बीजेपी ने जितना विश्व में काम कर दिया है उतना कोई पार्टी काम आज तक नहीं की है। जो मोदी ने कर दिया वो कोई नहीं कर पाया अभी तक। कौन आ रहा है सर इस बार एमसीडी? भाजपा आ रही है। भाजपा क्यों आ रही है? भाजपा काम कर रही है अच्छा, इसलिए। अरविंद केजरीवाल कह रहा है कि 15 सालों में कोई काम नहीं किया है एमसीडी। तो ऐसे कहता है, झूठ बोलता रहता है, खुद तो कुछ काम करता नहीं है। आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि इस बार हमारी पार्टी आने वाली है एमसीडी। इस बार नहीं आएगी, भाजपा आएगी। जी हाँ जी, उन्होंने कहा कि भाजपा आएगी। सर किस तरीके से देख रहे हैं दिल्ली में एमसीडी चुनाव होने वाले? भाजपा ही है 100%, भाजपा ही भाजपा है। दिल्ली में एमसीडी चुनाव होने वाले हैं, क्या रिजल्ट आने वाला है इस बार? ये बीजेपी का ही सरकार यहाँ बनेगी, बीजेपी का। अब जी बीजेपी क्यों आ रही है इस बार एमसीडी? बीजेपी अच्छा काम कर रहे हैं, जो वादा करते हैं वो काम करके मोदी जी के नेतृत्व में दिखा। तो कह रहे हैं कि हम दिल्ली को और चमकाएंगे अगर एमसीडी में आ गए। अरविंद जी सही काम नहीं कर रहा है, अभी खाली बोल रहा है ये काम करेंगे, काम नहीं कर रहा है। एमसीडी में चुनाव होने वाले हैं, क्या लग रहा है आपको इस बार कौन आने वाला है? मोदी ये आएगा कन के। मोदी जी क्यों? मोदी जी नहीं मतलब बीजेपी क्यों आ रही है इस बार एमसीडी? क्योंकि देखो अब की बार जो जब से मोदी आई है, जब से बहुत अच्छा काम कर रहा है या करते जा रहा है, और गरीब के लिए बहुत फायदा है, बहुत अच्छा काम कर रहा है। एमसीडी में चुनाव आ रहे हैं इस बार, क्या सोचना है आपका, किसकी सरकार आ रही है? जी हमारा तो सोचना है मोदी जी की सरकार ही आएगी। मोदी जी क्यों आ रहे, आना चाहिए एमसीडी? मोदी जी क्योंकि गरीब के हित में हर चीज कर रहे हैं। कोई भी अभी तक इतनी पार्टी आई किसी ने कुछ नहीं करा, पर यह है कि मोदी जी ने हमारे लिए मकान के लिए भी सोचा और गरीबों के हित में बहुत सोच रहे हैं मोदी जी। हमारे बच्चों के लिए मकान मिल गया, झुग्गी का हमारी तरफ से धब्बा हट गया, हमारे बच्चों को आगे अच्छा भविष्य मिलेगा, मकान मिल गया, सबसे बड़ी बात है। मोदी जी के बहुत बहुत धन्यवाद।